काव्य रसिक मित्रों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। भारत विकास परिषद शाखा जैसलमेर के सानिध्य में यह आयोजित काव्य गोष्ठी आपको सहर्ष स्वीकार करते हुए निवेदित करती है कि आप समय समय पर इसी प्रकार लेखन करते रहें और अपने आप को एक सबल कवि के रूप में प्रतिस्थापित करते रहें। पुनश्च शुभकामनाओं के साथ मैं हमारे इस शाखा जैसलमेर के सभाध्यक्ष श्री आनंद जी जगाणी का पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज की काव्य गोष्ठी में। इनके सानिध्य में यह काव्य गोष्ठी परवान चढ़ेगी। साथ ही हमारे वरिष्ठ साहित्यकार उदयपुर से हमारे बीच में आज सैनीदान जी चारण हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार करें। नमस्कार, अभिवादन, पुनः आपको नमस्कार। इस काव्य गोष्ठी का आगाज करते हैं। हमारे बीच में दुबई से पधारे हैं एक युवा कलाकार, एक युवा कलमकार, जिन्होंने अपनी लेखनी से न केवल दुबई में अपितु पूरे भारत में एक नए जोश का, एक नई क्रांति का संचार किया है। मैं इन दो शब्दों के साथ, इन दो वाक्यों के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि जहाँ कहीं एटम गिरे खिलते वहाँ पलाश, दुबई में जाकर बस गए हैं हमारे श्री आशीष व्यास। लीजिए मुलायजा फरमाइए आशीष व्यास को। सभी कवि बंधुओं को आशीष व्यास का नमस्कार। और वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर इस काव्य गोष्ठी को आयोजित करने के लिए मुकेश भैया का बहुत बहुत आभार। जहां भी महाराणा प्रताप जी का नाम लिया जाता है, देश प्रेम उसके साथ जुड़ ही जाता है। और हम अप्रवासी भारतीय कहीं भी रहें, देश को किसी न किसी रूप में अपने मन में जिंदा हमेशा रखते हैं। आज जब मैं एक बहुत प्रसिद्ध गजल सुन रहा था पंकज उदास जी की, जिसमें उन्होंने लिखा है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। तो जब वो शब्द कानों में घुले तो मन में जो विचार आए हैं, उन्हीं विचारों को मैंने शब्दों के माध्यम से पिरोया है और आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है सभी को पसंद आएगी। लिखा है कि पंख फैला उस ओर दिशा कर लूं, पंख फैला उस ओर दिशा कर लूं, जहां बसते हैं मेरे प्राण सदा, उस मातृधूलि को सर से लगा लूं। पंख फैला कर उस ओर दिशा कर लूं, जहां बसते हैं मेरे प्राण सदा, उस मातृधूलि को माथे से लगा लूं। करो रुख उन गली नुक्कड़ की तरफ, जहां बचपन जवानी छोड़ चला हूं। करो रुख उन गली नुक्कड़ की तरफ, जहां बचपन जवानी छोड़ चला हूं। अब यही प्रार्थना हर श्वास धरूं, जिंदगी के कस्ते जंजालों से बढ़ उस जननी की गोद में आह भरूं, उस जननी की गोद में आह भरूं। तो जब भी भारत से दूर रहने वाले भारतीय, जब भी उनके मन में विचार आते हैं तो हमेशा अब भारत में बिताए हुए अपने बीते लम्हों को याद करते हैं और यह भी याद करते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो उसी उन्हीं विचारों पर आधारित आगे की पंक्तियां हैं और लिखा है कि तन से तो भले हूं दूर मगर मन पंछी उड़ उड़ गांव चले, मन तन से तो भले हूं दूर मगर मन पंछी उड़ उड़ गांव चले, धूली की सौंधी खुशबू की यादों में बचपन याद करे। तन से तो भले हूं दूर मगर मन पंछी उड़ उड़ गांव चले, धूली की सौंधी खुशबू की यादों में बचपन याद करे। अपनों के खिले चेहरों की तरह चहूं और जहां खुशहाल रहे, अपनों के खिले चेहरों की तरह चहूं और जहां खुशहाल रहे, उस देश जहां मेरे प्राण बसे, मन भर उड़ान उस ओर चले। सुन सुन यादों में मर्म के गीत, सुन सुन यादों में मर्म के गीत, स्पंदन से कर्ण भी तान भरे, सुन सुन यादों में मर्म के गीत, स्पंदन से कर्ण भी तान भरे। तन से तो भले हूं दूर मगर मन पंछी उड़ उड़ गांव चले, मन पंछी उड़ उड़ गांव चले। इन्हीं देश प्रेम की भावना को मन में लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपने श्री आशीष व्यास को, जो दुबई से पधारे थे, उनको सुना, सराहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री आनंद जी हर्ष से, जो हमारे बीच में जोधपुर से पधारे हैं। मैं उनके लिए, वे महाराणा प्रताप पर जो अपनी काव्य पाठ को करने जा रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, ओ वीर शिरोमणि महाराणा, तू तो है प्रताप गजब। श्री आनंद हर्ष, आपका स्वागत, अभिनंदन काव्य पाठ के लिए।
दोस्तों नमस्कार। आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता के साथ मैं महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में विचार रखना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप ने धर्म की रक्षा की, एकलिंग जी की कसम खाई कि वे अकबर को कभी भी अकबर नहीं कहेंगे, उन्हें एक तुर्क कहेंगे और कभी भी उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने हमेशा महिलाओं की इज्जत की, कहीं पर विजय भी प्राप्त की तो उनकी महिलाओं के साथ में वो अत्याचार नहीं किए जो मुगलों ने किए। वो अव्वल युद्ध कौशल के धनी थे। हल्दीघाटी का युद्ध जो हुआ वो आप सभी जानते हैं, जो 4 घंटे तक कहा जाता है कि जो चला, और वो दुनिया का आपके पास में ऐसा था कि मतलब रक्त की नदियां बहने लगी। उनका घोड़ा चेतक, उनका भाला, उनकी तलवार, उनका कवच, हर वो चीज़ जो महाराणा प्रताप के साथ जुड़ गई वो स्वर्णिम हो गई। तो ऐसे ही कुछ कविता जो है मैंने ढालने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि महाराणा प्रताप को लिख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि जो वो व्यक्तित्व थे ऐसा व्यक्तित्व न कोई बन सकता है, क्योंकि उनके जो विचार हैं और उनकी जो खाई हुई कसम है। गाड़िया लोहार को आप देख सकते हैं, ऐसी जो जनजाति है जो महाराणा प्रताप के समय से ही आपके पास में जो है वो विकसित नहीं हो रही है और केवल उनके जो पच्चिन्हों पे चलते हुए ही घुमक्कड़ प्रजाति की बनकर जीती है। सो ऐसे मतलब परम प्रतापी महाराणा प्रताप, दिलों पर राज करने वाले अमर, कोई जाति विशेष नहीं, धर्म की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप, उनके लिए कविता कुछ चंद शब्द में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। राणा के प्रताप को लिख सके जो कोई, राणा के प्रताप को लिख सके जो कोई, ऐसी कलम बनी नहीं न बनेगी कोई, ऐसी कलम बनी नहीं न बनेगी कोई, जीते जी भेद सकाना पराक्रम को कोई, जीते जी भेद सकाना पराक्रम को कोई, मान सिंह आसफ खाया तुर्क हो जो कोई, मान सिंह आसफ खाया तुर्क हो जो कोई। कई बार संध्या करने के लिए मान सिंह आसफ खान कई लोगों को भेजा अकबर ने, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं झुके, कभी नहीं झुके। और कई युद्ध हुए लेकिन उन्होंने कभी भी पराजय नहीं कि कभी भी घुटने नहीं टेके, कभी भी वो बंदी नहीं बन पाए। ये सबसे बड़ी बात है, पराजय हुई ही नहीं कभी महाराणा प्रताप की, हमेशा अजय रहे, पराक्रमी। और अकबर के मन में रह गया महाराणा प्रताप को हरा पाना। सो अकबर को उन्होंने एकलिंग जी की कसम खाई थी कि मैं अकबर के सामने घुटने नहीं टेकूंगा और अकबर को तुर्क कहूंगा, इसलिए मैंने यहां पर शब्द काम में लिया है तुर्क। सो मान सिंह आसफ खाया तुर्क हो जो कोई, राणा के प्रताप को लिख सके जो कोई, राणा के प्रताप को लिख सके जो कोई, ऐसी कलम बनी नहीं न बनेगी कोई, ऐसी कलम बनी नहीं न बनेगी कोई, मातृभूमि की आन बचाने कूद पड़े रणभूमि में, मातृभूमि की आन बचाने कूद पड़े रणभूमि में, जाने कितने कट गए दुश्मन, जाने कितने कट गए दुश्मन गिनती नहीं कोई, जाने कितने कट गए दुश्मन गिनती नहीं कोई, राणा के प्रताप को लिख सके जो कोई, ऐसी कलम बनी नहीं ना बनेगी कोई।
रण से जुड़ गया जो हो गया वो स्वर्णिम, रण से जुड़ गया जो हो गया वो स्वर्णिम, हल्दी घाटी चेतक भाला कवच हो जो कोई, हल्दी घाटी चेतक भाला कवच हो जो कोई, राणा के प्रताप को लिख सके जो कोई, ऐसी कलम बनी नहीं ना बनेगी कोई, पराक्रम की पराकाष्ठा वो मेवाड़ के थे सिर मोर, पराक्रम की पराकाष्ठा वो मेवाड़ के थे सिर मोर, संघर्षों की प्रतिमूर्ति वो उन साजे न कोई, संघर्षों की प्रतिमूर्ति वो उनसा अजय न कोई, रण के प्रताप को लिख सके जो कोई, ऐसी कलम बनी नहीं न बनेगी कोई। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। मेरे भावना महाराणा प्रताप के प्रति इस कविता के अंदर मैंने विरोधी है, उम्मीद है आप सभी इसे पसंद करेंगे और आपके मन में भी अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति देशभक्ति जगेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। श्री आनंद हर्ष ने जो जोधपुर से हमारे बीच पधारे थे, इन्होंने महाराणा प्रताप पर अपनी जो ओजस्वी वाणी में कविता पढ़ी, आप सभी ने उसको सुना सराहा, इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे बीच में श्री गंगाराम जी पधारे हैं, उससे पूर्व मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। यदि भारत के इतिहास को तुला के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में राजस्थान के इतिहास को रखा जाए, तो हम पाएंगे कि राजस्थान का इतिहास का जो पलड़ा होगा वो हमेशा भारी होगा। और इसी प्रकार यदि एक पलड़े में राजस्थान के इतिहास को और दूसरे पलड़े में मेवाड़ के इतिहास को यदि रखा जाए, तो बेशक मैं ये कह सकता हूँ कि मेवाड़ के इतिहास का जो पलड़ा होगा वो भारी होगा। ऐसे ही शब्दों से भारी भरकम कविता लेकर हमारे बीच में मौजूद है श्री गंगाराम जी, स्वागत कीजिए उनका। नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम पोकण से भारत विकास परिषद शाखा जैसलमेर की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती पर वर्चुअल काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा गया है, इसके लिए दिल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। हम जानते हैं राजस्थान वीरों की रणबांकुरों की धरती रही है और मेवाड़ काश में अतुल्य योगदान रहा है। इसी कड़ी में मेरी कुछ स्वरचित पंक्तियाँ कविता के रूप में आपके समक्ष में पेश कर रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है मेवाड़ री महिमा। एक दोहे से इसकी शुरुआत करता हूँ मैं। केसर नह निपजे अठे नह हीरा निपजंत, केसर नह निपजे अठे नह हीरा निपजंत, सिर कटिया खग सांबणा इण धरती उपजंत, सिर कटिया खग सांबणा इण धरती उपजंत। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। आ धन्य धरा में वाड़ रही जन जन्मिया एड़ा पूत, आ धन्य धरा में वाड़ रही जन जन्मिया एड़ा पूत, नीता रही वो बांझणी पण जाया सिंह सपूत, नीता रही वो बांझणी पण जाया सिंह सपूत। नर ही केवल नी था नारियां भी थी प्रतापी, नर ही केवल नी था नारियां भी थी प्रतापी, मातृ धर्म रे खातिर दे दी अपनी कुर्बानी, मातृ धर्म रे खातिर दे दी अपनी कुर्बानी। हाड़ी अपनो सिर दियो पन्ना दियो पूत, हाड़ी अपनो सिर दियो पन्ना दियो पूत, धन्य है आ मातृभूमि जिन खातिर कुर्बा हुआ सपूत, धन्य है आ मातृभूमि जिन खातिर कुर्बा हुआ सपूत। जीवन रो बलिदान दियो कुल रे खातिर कुछ ना देखियो, जीवन रो बलिदान दियो कुल रे खातिर कुछ ना देखियो, गुणगान करूँ थारा मेड़तनी जो पी गई विसरो भी प्यालो, गुणगान करूँ थारा मेड़तनी जो पी गई विसरो भी प्यालो। जद प्रताप री शान सुनी अकबर भी कापण सो लाग्यो, जद प्रताप री शान सुनी अकबर भी कापण सो लाग्यो, कुल री ध्वजा फहराए दियो ओ हिंदुआ सूरत जद जाग्यो, कुल री ध्वजा फहराए दियो ओ हिंदुआ सूरत जद जाग्यो। इण धरती रो मान बटे जद मायड़ अड़ा पूत जणे, इण धरती रो मान बड़े जद मायड़ अड़ा पूत जणे, जो हो जावे कुर्बानपण लाज धरारी बनी रहे, जो हो जावे कुर्बानपण लाज धरारी बनी रहे। जय हिंद जय भारत। मेवाड़ के कण कण को परिपोषित करती हुई यह कविता आपने हमारे सम्मुख रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मैं इन्हीं प्रकार के ओजस्वी शब्दों के लिए भीलवाड़ा से हमारे बीच में आमंत्रित करता हूँ श्री ओम जी उज्ज्वल को, वे आएँ
और अपना कविता पाठ हमारे समक्ष करें। श्री ओम जी उज्ज्वल। नमस्कार, ओम उज्ज्वल भीलवाड़ा से आपकी सेवा में महाराणा प्रताप जयंती पर कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। चार पंक्तियाँ। पहले महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कुंभलगढ़ पर आपकी सेवा में। जन्मभूमि महाराणा प्रताप की कुंभलगढ़, देखने को उसे बार बार मन करता। जन्मभूमि महाराणा प्रताप की कुंभलगढ़, देखने को उसे बार बार मन करता। और महिमा सुंदरता को कैसे मैं बखानूं, महिमा सुंदरता को कैसे मैं बखानूं। ऐतिहासिक दुर्ग मेवाड़ की है दृढ़ता। जन्मभूमि महाराणा प्रताप की कुंभलगढ़, देखने को उसे बार बार मन करता। और मेवाड़ पर एक रचना आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सिंह लाडला उस पावन धरती का, अमर जहाँ का लाल सदा मरकर भी, मरने पर माँ मंगल गीतों से थाल सजाती है। जीवन को धन्य समझ वो क्षत्राणी, पाती पर फूल चढ़ाती है। जीवन को धन्य समझ वो क्षत्राणी, पाती पर फूल चढ़ाती है। और जय अम्बे जय महाकालिका कुल की देवी, रणचंडी माँ दे दो आशीर्वाद मुझे। और तेरा बेटा नया जन्म ले, कुल की लाज बचाएगा और माँ का दूध बचाएगा। अरे जहाँ की बहने जब मृत भाई से मिलने आती है, पड़ पाती को आया लाडला सुंदर गीत सुनाती है। और दूतों की जो करे आरती, भाई से मिलकर हंसती है। हाँ ममता के भावों में खूब भैया को राखी देती है। अरे जहाँ की हर औरत कहलाती क्षत्राणी, जिसकी ठोकर से पत्थर भी बन जाता पानी। और कर लेती जो हरान बचाने को हर एक पद्मनी रानी। और स्वामी के खातिर पन्नासी माता दे देती इस बेटे की कुर्बानी। स्वामी के खातिर पन्नासी माता दे देती इस बेटे की कुर्बानी। और प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे हैं हम राजस्थानी। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे हैं हम राजस्थानी। और चित्तौड़ दुर्ग अब भी जिस भूमि पर काशी के मंदिर की भांति पूजा जाता है। और बेड़च बनास की कलकल धारा से सबका मानस धुल जाता है। अरे जहाँ की मिट्टी ऐसा पारस पत्थर, जिसको छू लेने से कण कण सोना हो जाता है। बच्चे बच्चे के मुख से शौर्य कहानी सुन, जयमल राणा फत्ता की यादें ताजा हो जाती है। हर मेवाड़ी रजपूते की रग रग में खून उमड़ पड़ता है। मेवाड़ धरा है मातृभूमि, हम उसका नमन किया करते हैं। जब भी कोई अकबर इस धरती पर आंख उठाता है, हम उसका दमन किया करते हैं, हम उसका दहन किया करते हैं। प्रणाम। मेवाड़ की इस पवन भूमि से एक कविता के मणियों को संचित करके काव्य को एक रूप दिया श्री ओम जी ने। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, मेवाड़ की ही एक जादू भरी आवाज़ की कवित्री श्रीमती सपना व्यास से वे हमारे बीच में प्रस्तुत हों और अपना काव्य पाठ करें। जय श्री कृष्णा। मैं सपना व्यास आज प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में रखी गई काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनी हूँ, क्योंकि मैं खुद वर्तमान में मेवाड़ में निवासित हूँ। तो महाराणा प्रताप के ऊपर ही कुछ चंद लाइनें श्रद्धांजलि के रूप में मैंने स्वजरचित लिखी है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। महावीर मेवाड़ धरा के राजपूत कुन बेके शान, अडिग सेनानी आजादी के, भारत माता के अभिमान, भारत माता के अभिमान। राजस्थान का दुर्ग कुंभलगढ़ इतिहासों में अमर हुआ, 9 मई 1540 राणा प्रताप का जन्म हुआ, राणा प्रताप का जन्म हुआ। वंशज थे राणा सांगा के, जाए थे जयवंता माँ के, पूत सपूत थे उदय सिंह के, जीवन साथी अजब देह के, जीवन साथी अजब देह के। दिनकर से ओजस्वी की का, शूरवीर थे बुद्धिमान, चतुर चपल चंचल व निर्भीक, धीर सबल सब गुणों की खान, धीर सबल सब गुणों की खान। चेतक की करते थे सवारी, अश्व निभाता बड़ा वफादारी, चलता तीव्र गति से चेतक, देख हवा होती नतमस्तक, देख हवा होती नतमस्तक। भारत के शासक और सेवक, एक लिंग के भक्त प्रखर, हार नहीं मानी अकबर से, भूख प्यास सही वन जर्जर, भूख प्यास सही वन जर्जर। सहनशील कर मठ थे इतने, जीवन जिया घोर संघर्ष, सहे थपेड़े विपदाओं के, थे बलशाली शेर निडर, थे बलशाली शेर निडर। चेतक संग हाथ में भाला, अरिदल बल का किया
किया संहार, मातृभूमि और देश की खातिर वन में परसों दिए गुजार, वन में परसों दिए गुजार। जंगल बन गया घर, राणा का घास की रोटी थी आहार, पत्नी बच्चों संग उन्होंने जीवन जिया बड़ा खुददार, जीवन जिया बड़ा खुददार। मातृभूमि में वाड़ धरा को प्राणों से समझा प्यारा, उसके स्वाभिमान की खातिर वैभव राज पाटवारा, वैभव राज पाटवारा। शौर्य की गाथा सुन राणा की, हर शाती हल्दी घाटी, बख्तर भालक पाण देख मुस्काती मेवाड़ी माटी, मुस्काती मेवाड़ी माटी। किलो 72 बख्तर भारी, किलो 81 के भाला धारी, किलो 208 का वजन ओढ़ कर मुगलों की सेना थी मारी, मुगलों की सेना थी मारी। पीथल पाथल राणा पूंजा वान सिंह झाला शक्ति सिंह, बलिदान साथी राणा के हंस के कटा गए थे शीस, हंस कर कटा गए थे शीस। हल्दी घाटी देवर चपली घोर हुए युद्ध गमसान, सोने की कलमों से लिख गए राणा प्रताप के अमर निशान, महाराणा के अमर निशान। दृढ़ निश्चय वीरता साहस का राणा ने लिया था प्रण, मुगलों के पर खच्चे उड़ा कर चुका गए माटी कारण, चुका गए माटी कारण। खुशकिस्मती है मेरी भी ये, मैं भी मेवाड़ निवासी हूँ, मेवाड़ी शान महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ, मेवाड़ी शान महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमती सपना व्यास ने अपनी ओजस्वी वाणी में अपने शब्दों की पुष्प माला पहनाई है महाराणा प्रताप को। बस उनकी बात में बात मिलाते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ, लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून फौलाद हुआ है मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ है, तभी तो देश आज़ाद हुआ है। इसी कड़ी में मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वयं को आमंत्रित करता हूँ, वे पधारें और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। श्री शुक्ला साहब। मुकेश जी नमस्कार, और आप सभी कवियों का भी अभिनंदन है। मुकेश जी, आपने मुझे महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर काव्य पाठ का के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज मैं आप लोगों के सामने वीर रस में लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ पेश करता हूँ, सुनिए। उठो देश के वीर जवानों, तुम्हें तैयार हो जाना है, उठो देश के वीर जवानों, तुम्हें तैयार हो जाना है, इस भारत का मान बचाना, अपने प्राण गंवाना है। इस मिट्टी का तिलक करो तुम अग्निबाण चलाने को, इस मिट्टी का तिलक करो तुम अग्निबाण चलाने को, देश के दुश्मन जो आग उगलते उनको तुम्हें मिटाना है। उठो देश के वीर जवानों, तुम्हें तैयार हो जाना है, ये कश्मीर हमारा है, अक्षुण इसे रखना होगा, जो कश्मीर छीनना चाहे उसको मार भगाना है। उठो देश के वीर जवान, तुम्हें तैयार हो जाना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी इस भारत का हिस्सा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी इस भारत का हिस्सा है, जो भारत के टुकड़े चाहे मिट्टी में उसे मिलाना है। उठो देश के वीर जवान, तुम्हें तैयार हो जाना है, नाज है हमको इस धरती पर जिसमें हमने जन्म लिया, नाज है हमको इस धरती पर जिसमें हमने जन्म लिया, रक्षा करके इस धरती का अपना कर्ज चुकाना है। उठो देश के वीर जवान, तुम्हें तैयार हो जाना है, कफन बांध लो अपने सरों में शीशों की भेंट चढ़ाने को, कफन बांध लो अपने सरों में शीशों की भेंट चढ़ाने को, मातृभूमि की रक्षा करने अपना खून बहाना है। उठो देश के वीर जवान, तुम्हें तैयार हो जाना है, इस भारत का मान बचाने अपने प्राण गंवाना है। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र शुक्ला सिवनी से वर्तमान में नागपुर में रहता हूँ। धन्यवाद। चैनो अमन का देश हमारा, इन शब्दों से ओतप्रोत कविता लेकर हमारे बीच में प्रस्तुत हुए थे धर्मेंद्र जी शुक्ला। आप एमपी शिवानी से पधारे, आपका इस काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। पीत पाषाणों के गढ़ स्वर्ण नगरी जैसलमेर के किले से हमारे बीच में मौजूद है
सुश्री शिवानी व्यास कविता पाठ के लिए आपको आग्रह है कविता पाठ के लिए। भारत विकास परिषद शाखा जैसलमेर से आज प्रताप जयंती के अवसर पर मेरी रचना है ज्ञान और साहस। भारत भूमि बने जगत जननी, इसकी रक्षा पहले हमें है करनी। हो चाहे शिक्षा हथियार, चाहे हो ज्ञान और विचार। जन्मे प्रताप यहाँ, चाहे जन्मे लक्ष्मी बाई, दोनों ने ही अपनी धाक जमाई। इन दोनों की ही शक्ति से परिचित हो हम, पहले आए लैंगिक भेदभाव मिटाएं। हो चाहे नर, चाहे हो कोई भी नारी, सभी निभाएं अपनी अपनी भागीदारी। प्रत्येक युवा समझ ले अब अपनी जिम्मेदारी, ताकि जीत ले दुनिया सारी। है अब युग को वीर वीरांगनाओं की दरकार, भरे जो साहसमय हुंकार। खूब हुए हथियारों से वार, अब खोल ले अपने ज्ञान के द्वार। युवाओं खोल लो ज्ञान के द्वार, कर लो कौशलों का विस्तार। करो अपनी सुमति अभिवृत्ति से भारत भूमि का उद्धार। धन्यवाद। शिवानी ने अपनी कविता में जो देश के गुणगान किए हैं, तो एक बात मेरे दिमाग में बार बार आने लग गई, वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम निश्चित रूप से काव्य गोष्ठी को परवान पे चढ़ते हुए देख पा रहे हैं, और मैं इस कड़ी में निवेदन करूंगा श्री मदन जी क्षितिज साहब से, जो हमारे बीच में जोधपुर से पधारे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन काव्य पाठ के लिए। मन में चित्तोड़ समाधि आडावल रयो रम्यो, आडावले समायो आडावल रो जायो। बावड़िया में राज तिलक गिरिकंदरा दिन रा राज मेल, दुखड़ा पण भोग गेल मन में आजादीरी अलख जो। हिंदवाणी सूरज प्रताप आडावल रो जायो, आडावल रयो रम्यो आडावले समायो। पातला दो ना तिनरे हो ना माटी पे, तिरमा तिनरे से बिछोना। गासरी रोटी पण वन विलाप छीन ले जावे, टाबररी चित काल सुने काल जो कंठा में आवे। हिंदवाणी सूरज प्रताप धूले धूले रण चढ़ आडावल, मंदार्या मोही गढ़ मांडल, चवंड चूड़िया गोगुंदे चढ़, ऊटाड़ा टाड़ा जावर आवरगढ़, कबोल कदमाल कमलनाथ दीवेर कुंभलगढ़। कर कर जुग रोजन, कर कर जुग रोजन, वन 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 वास रो जीवन काट्यो, आडावल रो हिवड़ो माथो, ऊंचो की दो पण पाछो पग कदे नी नाख्यो। हिंदवाणी सूरज प्रताप आडावल रो जायो, आडावल ऊंचा माता सु आद सुने वे, अनबूजी टापा चेट करी, फूट फूट वे वीर दीर थारी ओल उमे, आडावल री जरना जंती आख्या सु। हिंदवाणी सूरज प्रताप आडावल रो जायो, मन में चित्तौड़ समाधि आडावल रयो रम्यो आडावले समायो। हिंदवाणी सूरज प्रताप आडावल रो जायो, आधो जीवन पण उजड़ो विचार, बिलारे भेड़ा भेल भोगड़ो जीवन रो पार। हिंदवाणी सूरज प्रताप आडावल रो जायो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मदन जी क्षितिज के इस वीर शिरोमणि गीत के पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्रीमती पुष्पा पालीवाल, जो हमारे बीच में कांकरोली राजसमंद से पधार रही हैं काव्य पाठ के लिए, आपका निवेदन स्वीकार। नमस्ते। हमेशा की तरह विशेष अवसर पर भाई मुकेश जी ने हमें फिर एकत्रित किया है इस कवि सम्मेलन के माध्यम से। आज हम महाराणा प्रताप के वीर शौर्यता और त्याग पर अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
जैसे हम महाराणा प्रताप को उनकी वीरता के बारे में अच्छे से याद करते हैं, वैसे ही उनके घोड़े के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं चेतक पर आज अपने भावों को कविता के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। जी हाँ, मैं चेतक पर अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, महाराणा प्रताप का तूने रण में मान बढ़ाया था, महाराणा प्रताप का तूने रण में मान बढ़ाया था, मुगल सेना को तूने धूली में मिलाया था, मुगल सेना को तूने धूली में मिलाया था, नहीं इंसान कर सकते, नहीं इंसान कर सकते तूने कर दिखलाया था, नहीं इंसान कर सकते तूने कर दिखलाया था, मेवाड़ी धरती के कण कण को जिसने पहचाना था, मेवाड़ी धरती के कण कण को जिसने पहचाना था, जाना उसने महाराणा को किस डगर ले जाना था, जाना उसने महाराणा को किस डगर ले जाना था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, महाराणा प्रताप का तूने रण में मान बढ़ाया था, महाराणा प्रताप का तूने रण में मान बढ़ाया था, भर आँख में अंगारे चेतक हिन हिनाया था, भर आँख में अंगारे चेतक हिन हिनाया था, अकबर को भर नींद में तूने ही चौंकाया था, अकबर को भर नींद में तूने ही चौंकाया था, लोहे जैसी अपनी टापों से चेतक तूने, लोहे जैसी अपनी टापों से चेतक तूने दुश्मन की छाती को रौंदा था, लोहे जैसी अपनी टापों से चेतक तूने दुश्मन की छाती को रौंदा था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, जब जब तू दौड़ा रण में, जब जब तू दौड़ा रण में वायु वेग शर्माता था, जब जब तू दौड़ा रण में वायु वेग शर्माता था, पैदल को तो रोंदा ही था, पैदल को तो रोंदा ही था, हाथी के होदों पर चढ़ जाता था, पैदल को तो रोंदा ही था, हाथी के होदों पर चढ़ जाता था, कुछ कर्ज रहा होगा राणा का, कुछ कर्ज रहा होगा राणा का, इस जन्म चुकाने आया था, कुछ कर्ज रहा होगा राणा का, इस जन्म चुकाने आया था, वाह रे चेतक तू जीव नहीं देवात्मा था, वाह रे चेतक तू जीव नहीं देवात्मा था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, लगा तीर भाला बरछी सहकर भी तू दौड़ा था, लगा तीर भाला बरछी सहकर भी तू दौड़ा था, तीन पैर से दौड़ा सरपट राणा के प्राण बचाना था, वाह तेरी स्वामी भक्ति की, लगा तीर भाला बरछी सहकर भी तू दौड़ा था, तीन पैर से दौड़ा सरपट राणा के प्राण बचाना था, हाफा भी होगा थका भी तू पर नमक का कर्ज चुकाना था, हाफा भी होगा थका भी होगा पर नमक का कर्ज चुकाना था, स्वामी भक्ति का पाठ सबको तू सिखा गया, स्वामी भक्ति का पाठ तू सबको सिखा गया, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, अमर एकलिंग भक्त राणा का सच्चा स्वामी भक्त था, अमर एकलिंग भक्त राणा का सच्चा स्वामी भक्त था, सच्चा साथी बनकर केसरिया मान बढ़ाया था, सच्चा स्वामी भक्त बनकर केसरिया का मान बढ़ाया था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, वाह रे चेतक तुरंग तू क्या मतवाला था, महल छोड़ा चित्तौड़ा छोड़ा तब नहीं राणा रोया था, महल छोड़ा चित्तौड़ा छोड़ा तब नहीं राणा रोया था, खोकर प्यारे चेतक को राणा बच्चों जैसा रोया था, खोकर चेतक को राणा बच्चों जैसा रोया था,
सावन का बादल क्या बरसे, सावन का बादल क्या बरसे, ऐसे अश्रु बरसे थे। सावन का बादल क्या बरसे, ऐसे अश्रु बरसे थे। अपनी अश्रु धारा से राणा ने, अपनी अश्रु धारा से राणा ने उसके पावन तन को धोया था, उसके पावन तन को धोया था, उसके पावन तन को धोया था। नमस्कार। श्रीमती पुष्पा पालीवाल, आपने चेतक पर एक बहुत ही चेतक के ओज पर जो कविता पढ़ी, उस पर मुझे बार बार एक महाराणा प्रताप पे लिखा गीत स्मरण हो आता है, नीले घोड़े रा सवार मारा मेवाड़ी सरदार। निश्चित रूप से मेवाड़ ने इस देश की आन बान और शान को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बान कर दिया। ऐसे ही शब्दों से हमें अप्लावित करने के लिए आ रहे हैं परमाणु नगरी के मिसाइल मैन श्री अजय केवलिया। मैं अजय केवलिया परमाणु नगरी पोकर से आज आपके सामने महाराणा प्रताप की जयंती पर एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है स्वाभिमान। जी हाँ, महाराणा प्रताप ने जंगल जंगल भटककर कई तकलीफें सहन की, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। वो अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने कभी अकबर से हाथ नहीं मिलाया। तभी आज इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। उसी पर आज मेरा एक छोटा सा रत्ना का कार्यक्रम है और मैं निरंतर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। आज सुना हूँ महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी, आज सुना हूँ महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी। स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी, स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी। सन 1540 में जब प्रताप ने जन्म लिया, मेवाड़ में कोलाहल ने दुश्मन को आगाज किया। वन वन भटके लेकिन अधीनता ने स्वीकार किया। स्वाभिमान के खातिर बलिदानी की अपनी जवानी, स्वाभिमान के खातिर बलिदान की अपनी ही जवानी। आज सुना हूँ महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी, स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी। जिसके नाम से अकबर की सेना के सैनिक कांप गए, अकबर भी अपनी पराजित को युद्ध से पहले भाप गए। अकबर भी अपनी पराजित को युद्ध से पहले भाप गए। भीलों की सेना लेकर राणा जब कूदे रण में, भीलों की सेना लेकर जब राणा सब कूद गए रण में। मुगलों के सैनिकों के सिर बिखर गए माँ भीषण में, सिर बिखर गए माँ भीषण में। चेतक भी मारा गया जब छोड़ गया अपनी निशानी, चेतक भी मारा गया जब छोड़ गया अपनी निशानी। आज सुना हूँ महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी, स्वाभिमान के खातिर नहीं स्वीकारी मनमानी, स्वाभिमान के खातिर नहीं स्वीकारी अकबर की मनमानी। शक्ति को देखा जब रण में राणा का कलेजा थम सा गया। भाई को कैसे मारूं ये सोच महाराणा का मन सहम सा गया, भाई को कैसे मारू राणा का मन सहम सा गया। इतनी देर में देखा शक्ति राणा के पैरों में गिर दहल गया, इतनी देर में देखा शक्ति राणा के पैरों में गिर दहल गया। फिर टूट पड़ा शक्ति मुगलों पर बन बैठा दुश्मन जानी। आज सुना हूँ महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी। स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। श्री अजय केवलिया ने वास्तव में जिस प्रकार की उपमा दी गई है उन्हें पोखरण के मिसाइल मैन, वास्तव में वैसी ही ओजस्वी कविता हमारे सामने रखी। इन्हीं शब्दों से ओतप्रोत कविता लेकर आ रहे हैं श्री भवरदान जी माड़वा। आप डिंगल के वरिष्ठ कवि हैं, आपने हजारों छंद जो है डिंगल और पिंगल भाषा में कहे हैं। मैं बड़े मान और आदर के साथ उनका स्वागत करता हूँ, श्री भंवरदान जी माड़वा। तो आज मैं कवि भंवरदान माड़वा मधुकर एक प्रताप प्रशंसा का काव्य आपको नजर कर रहा हूँ, जो भारत विकास परिषद शाखा जैसलमेर की ओर से आदेश मिला है।
तो सभी का आभार, और ये मेरी जो है कविता आपको नजर करता हूँ। शुभ भजन देश गति भणु हिंदू कुल भणम अखर जटिपी अपमान वींद्रप उदियाणम अकबर ढिग आयो नहीं पतल झिल पहाड़म पकड़ सक्यो न पातशा मजी भूप मेवाड़म सज पतल गिर शरण झरण पिछोला झीलम अट झंगर अरावली भट मेवाड़ी भीलम धनो धर्म राखण धरा नमो शिशो दीनाथ भण पतल भूतेश न हरख जुड़ियान आथम अनवि मुख सु आखियो सुनो सकल सिरदार पराधीन भूपत पुण है धिक बार हजार भारत के सब भूपति दाख इलाही दीन कसम लगा कुरान री अकबर किए अधीन। छंद जात रहन की है कह अकबर धर युलट कुलट रजपूती कुलट रीत रज कुलट करी धुबकत नर धुलत भूलत ध्रम धुरपट भौम कुलट नृप कुलट भरी पत साखी पुलत लुड़त नहीं पातल धाक हुकम बजराक धनी पातल खगतौन बाण हिंदवण पतल ए धरण मान कज मरण धनी जी धाण करण मेवाड़ धनी जावत मघरान दुखित धरत सब बखत दास यर दास बरी भोमो सा शेठ दियण ध्रुव भलपण अर धनुष पदा बित अगर धरी महादानी आद धरण दुख मेटन धरण भोमल हिंदवान रणी पातल खगतान बाण हिंदवन पत धरण मान कज मरण धनी जी धाण करण मेवाड़ धनी ये धाड़ करण में वाड़ धनी हण दी हद घाट झाट चली हर बल थिड़त खाग अरिशैन भगी हस्ती मग धमक चमक लगी है हट पाण लड़न धर धुमक लगी काछप पंड कचक लचक काड़न कट पेट धचक भूत कान भणी पातल खग तान भाण हिंदवण पत धरण मान कद मरण धनी ये धाड़ करण मेवाड़ धनी अड़बंग अफलात फिरत रण अत बिच बढ़त बोल बहलोल बकी शनमुख लगे हटत सत अग सड़सड़ तीठ डांड हय तौल तकी आछट अंग टोप तुरंग धड़ काट तद आथल पर ताप हरणी पातल खगतान बाण हिंदवण पत ए धरण मान कद मरण धनी जी धाड़ करण मेवाड़ धनी चेतन भत चटक मटक ऋण धमचक घुलत फुलत यग चुलत घली झणनाक पटक पग पटक शटक है अटक बटक करी अरी थुली झड़ फड़ कर झपट लियत धन झुरकत महिपत पातल शीश मणि पातल खगतांड भांड हिंदवण पत पत धरण मांड कद मरण धनी जी धाड़ करणम मेवाड़ धनी पातल कटि तुरंग मान लखि पहदल पचन सूट झट पठन परी उठलत अत प्रेम अलत अणभदयत अरघात करत चित विपत घरी ईकन करे अगत भगत मग हुल सत भ्रात सगत पग लगत भणी पातल खगतान भाण हिंदवण पत धरण मान कद मरण धणी जी धाड़ करणम मेवाड़ धणी अदरात बखत पातल चढ़ात स्वामी धर्म पोहरात सुणी दाखत नायक उदियास देखत धन मेटण मेरो देश धणी बारण अग शिविर बाघ किए बंधन भांज डील सुत भील भणी पातल खगतान भाण हिंदवण पत ए धरण मान कद मरण धनी जी धाड़ करण मेवाड़ धनी नमियो नहशीष शाह अग नरपत खटन शुद्ध सद खाग खणी राखण इण धर्म शर्म रजपूती जौमण धन महिकूत जणी उमंगत घण कोड नमण कर अनवी भाव शुद्ध कवि भमर भणी पातल खगतान बाण हिंदवण पत धरण मान कद मरण धनी जी धाड़ करण मेवाड़ धनी के नमो पातल नरपाल राखण धर रजपूती रंग हिंदवन रसपाल शरावण जोग सपूती धर्म धजा धरपाल आसंग करण अणूति भाग बढ़े भूपाल विष्णु घड़ी विभूति चति शुद्ध से पायो छतो भर्म रखावण भूपति अनवी धन पातला हो नमे शकल तो नरपति। जय हो महाराणा प्रताप की। जैसलमेर जुहारिये के तन वारिये अरिहंत बिंब अनेक नमु के, अर्थात जैसलमेर को देखूं या अपने तन मन धन को न्योछावर कर दूं, इससे बड़ा कोई तीर्थ मुझे नज़र नहीं आता। किसी कवि ने कहा है, वैसे ही भावनाओं को लेकर श्री भंवरदान जी माड़वा ने हमारे सामने डिंगल किए कुछ छंद रखे हैं। निश्चित रूप से ये छंद हमारे जीवन में एक नई उमंग धारा का निर्माण करते हैं। ऐसे ही शब्दों से ओतप्रोत हमारे बीच में कुछ वीर रस के पुनः चुटीले रंग लेकर आ रही हैं श्रीमती मधु पोरवाल। आप उदयपुर से हैं, मावली उदयपुर से। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माँ शारदे को नमन करती हूं, सम्मानित मंच। करती हूं नमन प्रताप को,
करती हूँ नमन प्रताप को, जो वीरता का प्रतीक है, जो वीरता का प्रतीक है। तू लो पुरुष तू मात्र भक्त, तू लो पुरुष तू मात्र भक्त, तू अखंडता का प्रतीक है, तू अखंडता का प्रतीक है। और महाराणा प्रताप की देशभक्ति, महाराणा प्रताप की देशभक्ति इस देश की पूंजी है। और ये वो धरती है, ये वो धरती है जहाँ चेतक की टापे गूंजी है, ये वो धरती है जहाँ चेतक की टापे गूंजी है। प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और इस पावन पर्व पर एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता प्रस्तुत करूँ उससे पहले उन सभी सैनिकों को जो सरहद पर तैनात है, उन सभी को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि वो सरहद पर तैनात हैं, इसी कारण हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर पाते हैं और हर त्यौहार हम घर पर चैन अमन शांति से मना सकते हैं और ये आश्वस्त हो सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो केवल इनकी वजह से। तो इन सभी को सैल्यूट करते हुए आइए कविता प्रस्तुत करूं। उससे पहले इन शहीदों के शीर्ष चरणों में ये चार लाइन प्रस्तुत करती हूं कि बिखर कर शौर्य की खुशबू, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की, जवा हसरत तिरंगे की उड़ उड़ कर गगन को चूम लेती है। और सिपाही जब निकलता है देश पर मर मिटने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर मर मिटने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, बदन को चूम लेती है। आइए कविता का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है शहीद के बेटे की दीपावली और दृश्य इस प्रकार है कि 8 साल का बेटा है जिसका पिता शहीद हो गया है और जिसे ये नहीं मालूम कि उसका पिता कभी लौट कर नहीं आएगा। तो दीपावली की रात कि चारों तरफ उजाला, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद, जब वो हुआ शहीद वो उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। कि आंगन में बैठा बेटा, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे पापा क्यों न आए अब की बार, दीपावली पे पापा क्यों न आए अब की बार। और जो माँ की हालत उसने देखी है, जो माँ की दशा उसने देखी है, तो पहला बंद में वो माँ से सवाल करता है कि माँ क्यों तुमने आज न बिंदिया लगाई है, माँ क्यों तूने आज न बिंदिया लगाई है, दोनों हाथ है खाली न मेहंदी रचाई है, दोनों हाथ है खाली न मेहंदी रचाई है, पायल भी नहीं पाँव में, पायल भी नहीं पाँव में, बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी, लगती थी कितनी प्यारी, और आज ये कैसा हाल है, और आज ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना लगता, कुमकुम के बिना लगता सूना ये श्रृंगार, सूना ये श्रृंगार। दीपावली पे पापा क्यों ना आए अब की बार, दीपावली पे पापा क्यों ना आए अब की बार। और जब बेटा देखता है कि माँ का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो वो दोनों हाथ से झकझोर कर माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और कहता है कि दो दिन हुए तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह तूने खीर न बनाई, हर बार की तरह तूने खीर ना बनाई। आने दो पापा को, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी बात सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो बताने से भी है इनकार, ऐसा क्या हुआ जो बताने से भी है इनकार। दीपावली पे पापा क्यों ना आए अब की बार, दीपावली पर पापा क्यों ना आए अब की बार। और विडम्बना देखिए कि पूछ रहा था बेटा, पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए,
जुड़ रही थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, जुड़ रही थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, और पूछ पूछ कर हो गया वो निराश, पूछ पूछ कर वो हो गया निराश, जब उसने देखी आंगन में आती हुई पिता की लाश, जब उसने देखी आंगन में आती हुई पिता की लाश। वह पिता की लाश को देखता है, पुनः माँ के चेहरे को देखता है, पिता की लाश को देखता है, पुनः माँ का चेहरा देखता है। और अब इस आखिरी बंद में मैं आप सबके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, और चाहती हूँ कि जो जवाब इस बेटे का था वो हिंदुस्तान के हर बेटे का हो, तो आशीर्वाद दीजिए उस बेटे को। इस आखिरी बंद में पिता की लाश को देखता है, माँ का उदास चेहरा देखता है, और बेटा इस प्रकार कहता है कि मत हो उदास माँ मुझे अब न जवाब चाहिए, मत हो उदास माँ मुझे अब न जवाब चाहिए, मकसद मिला मुझे ख्वाब मिल गया, मकसद मिल गया मुझे ख्वाब मिल गया, पापा का जो अधूरा रह गया है काम, पापा का जो अधूरा रह गया है काम, लड़कर के उसको मैं पूरा करूँगा, लड़कर के मैं उसको पूरा करूँगा, और आशीर्वाद दो कि इस बार, आशीर्वाद दो कि इस बार पूरा हो काम, और शांति से सजे हर आंगन और द्वार, सजे हर आंगन और द्वार पर दीपावली पर पापा क्यों ना आए अब की बार, पर दीपावली पर पापा क्यों ना आए अब की बार। जय हिंद। श्रीमती मधु पोरवाल ने ओजस्वी के साथ, ओजस्वी वाणी के साथ कविता प्रस्तुत की। इनके शब्दों से मैं शब्द मिलाते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो इसी प्रकार के एक जवान शायर को, एक जवान कवि को, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बहुत बड़े सूत्रधार हैं, श्री मुकेश हर्ष भारत को मैं आमंत्रित करता हूँ वे मंच की ओर आए और अपनी कविता के शब्दों से हमें नवाजें। श्री मुकेश हर्ष भारत। मैं दो छोटी छोटी रचनाएं आपके साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आबे हयात पीने की चाह हजारों को हुआ करती है, आबे हया पीने की चाह हजारों को हुआ करती है, पर प्याला ए जहर केवल सिव ही पिया करते हैं, और जो करते हैं मादरे वतन से इश्क वही वतन बिजा कुर्बा किया करते हैं, वही वतन बिजा कुर्बा किया करते हैं। और ऐसे ही वीर थे, सपूत थे हमारे महाराणा प्रताप। अब मैं वीरों के ऊपर अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। मरते हैं इंसान मगर वीर कभी मरते नहीं, मरते हैं इंसान मगर वीर कभी मरते नहीं, तजते हैं वो प्राण अपने, तजते हैं वो प्राण अपने, शीश कभी झुकते नहीं, मरते हैं इंसान मगर भी कभी मरते नहीं। आजादी है इनको प्यारी, शीश हथेली धरते हैं, औरों को कराते अमृत पान, खुद हलाल पीते हैं। आजादी है इनको प्यारी, शीश हथेली धरते हैं, औरों को कराते अमृत पान, खुद हलाल पीते हैं। देते हैं अपना सब कुछ ये, देते हैं अपना सब कुछ ये, किसी से कुछ लेते नहीं, मरते हैं इंसान मगर वीर कभी मरते नहीं, वीर कभी मरते नहीं। श्री मुकेश हर्ष भारत ने क्या सुंदर शब्दों में
अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। मरते हैं इंसान मगर वीर कभी मरते नहीं, तजते हैं वे प्राण मगर शीश कभी झुकते नहीं। निश्चित रूप से यही हमारे भारत की परंपरा रही है, हमारे ये भारत की स्वतंत्र परंपरा रही है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा नाद्वारा से हमारे बीच में श्री शरद बागोरा साहब से, वे हमें अपने ओजस्वी वाणी में अपने तेज के साथ में एक काव्य कविता से हमें जोड़ेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया आएं और अपना कविता पाठ करें। भारत की आन बान शान के प्रतीक मेवाड़ के महाराणा प्रताप, हकीम का शूरी जालामान राणा पुंजा ने जो हल्दीघाटी के युद्ध में जो अपना कौशल दिखवाया, और तो और चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ऐसी मेवाड़ भूमि को मैं नमन करता हूँ और एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। उड़े लहू की गुलाल होली खेले महाकाल, दावा नल सा उबाल बलिहारी रे, हल्दी घाटी के मैदान बाजी मारी रे, समर यज्ञ में आहुति देने वाला था, वीर केसरी मेवाड़ का उजाला था, वो शोर माथा रण मत वाला था, वो हार में भी जीत लेने वाला था, जिसमें सिंहों की फुंकार जिसकी दुमोही तलवार, बांके वीर ने चेतक पर की सवारी रे, हल्दी घाटी के मैदान बाजी मारी रे, रण गंगा में नहाया वो गर्वीला था, पानीदार था जवान वो हठीला था, मेहंदी सोनित की रचाई महाकाली ने, धारण किए थे कपाल खप्पर वाली ने, उमड़ी प्रलय की घटाएं छाई जहरीली हवाएं, छाई जहरीली हवाएं थी गजब की बलाएं, महामारी रे हल्दी घाटी के मैदान बाजी मारी रे, वो मेवाड़ी तलवार तो मर्दानी थी, काट खाती थी कलेजे वो भवानी थी, किए लाशों के अंबार खूनी भाले ने, वेरी काटे थे हजार वीर जाले ने, था वो गोर गमासान धरती हुई थी मशान, चमकी बिजली सी तलवार वो दुधारी रे, हल्दी घाटी के मैदान बाजी मारी रे, गड़ी आई वो वीरों के पहचान की, चेतक वीर ने लगा दी बाजी जान की, जो वीरों के बीच सरपट दौड़ा था, वो मौत का निशान नीला घोड़ा था, जिसकी ठोकर में आए कई नर मुंड थे, उभय जाता था उधर वेरी झुंड थे, चेतक वीर था महान कर गया वो एहसान, निकली चरण निशान से चिणगारी रे, हल्दी घाटी के मैदान बाजी मारी रे, हल्दी घाटी के मैदान बाजी मारी रे। जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़, धन्यवाद। ये थे श्री शरद बागोरा। आपने किस प्रकार एक खून की होली खेलते हुए का एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया, वैसा ही एक दृश्य मैं आपके सामने दो लाइन में रखता हूँ कि खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कुछ ऐसे ही शब्दों से ओतप्रोत कविता को लेकर हमारे बीच में आ रही हैं श्रीमती मालती छंगाणी, जो आप पोखरण में विराजती हैं। आप शिक्षक हैं और एक सुंदर रचनाकार हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी रचना हमारे सामने प्रस्तुत करें, श्रीमती मालती छंगाणी। नमस्कार, मैं मालती छंगाणी परमाणु नगरी पोखरण से महाराणा प्रताप की जयंती पर वर्चुअल काव्य गोष्ठी में मैं अपनी एक स्वरचित रचना पेश कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेवाड़ धरा की शान। मेवाड़ धरा का मान किया खुद को जिसने कुर्बान किया, मेवाड़ धरा का मान किया
खुद को जिसने कुर्बान किया, निज सुख का जिसने त्याग किया, बलिवेदी पर बलिदान किया। निज सुख का जिसने त्याग किया, बलिवेदी पर बलिदान किया। ग्रीवा रखी शमशीरों पर, ग्रीवा रखी शमशीरों पर, दौड़े बर्छी की धारों पर, कूदे जलते अंगारों पर, और ताने विषिक प्रहारों पर, और ताने विषिक प्रहारों पर। ग्रीवा रखी शमशीरों पर, दौड़े बर्छी की धारों पर, कूदे जलते अंगारों पर, और ताने विषिक प्रहारों पर। सजाए भाले भाले तलवारों से, सजाए भाले तलवारों से, झंझन करते हथियारों से, सजाए भाले तलवारों से, झंझन करते हथियारों से, रणक्षेत्र भरा था वीरों से, रणक्षेत्र भरा था वीरों से, अरिनागों की चीत्कारों से, अरिनागों की चीत्कारों से, कौशल दिखलाया भालों से, कौशल दिखलाया भालों से, वे झुके नहीं अरिचालों से, कौशल दिखलाया भालों से, वे झुके नहीं अरिचालों से, और टूट पड़े सिंसियालों पे, और टूट पड़े सिंसियालों पे, था भरो जोश मतवालों में, था भरा जोश मतवालों में, थी करामात करवालों की, थी करामात करवालों की, हिम्मत थी हिम्मत वालों की, इस वीर प्रसवनी अवनी के, इस वीर प्रसवनी अवनी के, सुत बूढ़े युवा बूढ़े वालों की, थी करामात करवालों की, हिम्मत थी हिम्मत वालों की, इस वीर प्रसवनी अवनी के, सुत युवा बूढ़े वालों की। उनका कोई निज ग्राम न था, उनका कोई निज ग्राम न था, रहते थे पर कोई धाम न था, उनका कोई निज ग्राम न था, रहते थे पर कोई धाम न था। उनका भी एक भीषण प्रण था, उनका भी एक भीषण प्रण था, उड़ जाए दुश्मन एक तृण सा, उनका भी एक भीषण प्रण था, उड़ जाए दुश्मन एक तृण सा। मातृभूमि आज़ादी की, मातृभूमि आज़ादी की, यह प्रबल प्रतिज्ञा थी मन में, मातृभूमि आज़ादी की, यह प्रबल प्रतिज्ञा थी मन में, ना झुके कभी ना झुकने देंगे, ना झुके कभी ना झुकने देंगे, चाहे ना प्राण रहे तन में, चाहे ना प्राण रहे तन में। वीरों की ऐसी आन रही, वीरों की ऐसी आन रही, कुछ पुरखों की भी मान रही, वीरों की ऐसी आन रही, कुछ पुरखों की भी मान रही, वीरों की सस्ती जान रही, वीरों की सस्ती जान रही, मेवाड़ धरा की शान रही, मेवाड़ धरा की शान रही, मेवाड़ धरा की शान रही। का मान किया निज सुख का जिसने त्याग किया, वैसे ही अपने त्याग को शब्दों के माध्यम से पिरोती हम तक पहुंचाने वाली श्रीमती मालती छंगाणी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक पुनः महिला शक्ति को निवेदन कर रहा हूं कि वे मंच पर आए और इस काव्य गोष्ठी को नई ऊंचाई प्रदान करें। श्रीमती नलिनी पुरोहित जोधपुर से हमारे बीच में है, करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए इनका। राम राम सर, जोधपुर नलिनी पुरोहित, आपका सामने दो कविता प्रस्तुत करूं महाराणा प्रताप जयंती पर। के आज ये डंगो चंगे वाजियो, जीव मरण में रंग राचियो, के घाटी में घमसान माचियो, चेतक रग रग में रण रंग राचियो, राणा रण है सारे खातिर, जीव मरण री ठोर रे, के हीरा पन्ना सो झिल मिल करतिया, घाटियो चित्तोड़ रे, हीरा पन्ना सो झिल मिल कर या घाटियो चित्तोड़ रे। आज अड़ंगो चंग वाजियो, जीव मरण में रंग राचियो, के घाटी में घम साण माचियो, घाटी में घम साण माचियो, राणा रण है तारे खातिर, जीव मरण री ठोर रे, हीरा पन्ना सू झिल मिल करतिया, घाटियो चित्तोड़ रे, घाटियो चित्तोड़ रे। के मेला में मर जाते रूपगी, सेज सोवन पे घासे उगगी, मेला में मर जाते रूपगी, सेज सोवन पे घासे उगगी, सुनो सस्तो पतला मूंगी, आज आजादी प्राणा सुमूंगी, सुनो सस्तो पतला मूंगी, आज आजादी प्राणा सुमूंगी, देनो है जीव जीवन रे खातिर, राणा रण है तारे खातिर, राणा रण है तारे खातिर, जीव मरण री ठोर रे,
हीरा पन्ना सुझिल मिल कर दिया गाटियो चित्तौड़ रे चावंड में चावंडा रमगी चावंड में चावंडा रमगी केजड़ में जड़ चेतन वणगी केजड़ में जड़ चेतन वणगी जुग जुग रे जी जुग जुगरी जो तारे खातिर राणा रण है सारे खातिर राणा रण है सारे खातिर जीव मरण री ठोर रे हीरा पन्ना सुझिल मिल कर दिया घाटियो चित्तौड़ रे घाटिया चित्तौड़ रे राणा रण है सारे खातिर राणा रण है सारे खातिर। एक छोटी सी और रचना है, महाराणा प्रताप एक बार इधर पे पाछा पधारो के एक बार पाछा पधारो निधन माटी रहे लो पाड़े है राणा जी राणा जी ओ पाछा पधारो निधन माटी रहे लो पाड़े माटी है लो पाड़े है छणी मेवाड़ वाट नाले राणा जी ओ पाछा पधारो निधन माटी रहे लो पाड़े के माटी मीरा पन्ना रे या माटी रे पद्मण राणी री माटी मीरा पन्ना रे या माटी रे पद्मण राणी री माटी कंकु केसर री या माटी रे हल्दी घाटी री राणा जी ओ पाछा पधारो निधन माटी रे लो पाड़े माटी राणा झाला री माटी राणा मन्नारी माटी राणा झाला रे या माटी रे राणा मन्नारी की माटी हाड़ी राणी री थन माटी रहे लो पाड़े प्रताप वेगा पदारो नी थन माटी रहे लो पाड़े माटी है लो पाड़े है छणी मेवाड़ वाट नाले राणा जी ओ पाछा पदारो नी थन माटी रहे लो पाड़े। और क्यों है लो पाड़े के माटी है प्रताप रे या माटी रहे परताप सू माटी है प्रताप रे माटी रहे परताप सू तो कई बार पाछा पधारो निधन माटी रहे लो पाड़े हे राणा जियो पाछा पधारो निधन माटी रहे लो पाड़े एक बार पाछा पधारो निधन माटी रहे लो पाड़े हे राणा जी। रण की जो रज होती है उसमें हम जानते हैं कि गुलाल नहीं मिली होती, उसमें खून मिला होता है। बस उसी पवन रज से तिलक करने के लिए अभिनंदित करती यह कविता हमारे बीच में रखी जोधपुर की कवित्री नलिनी पुरोहित ने। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे बीच में एक वरिष्ठ साहित्यकार को आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने कई राष्ट्रीय मंचों पर कई राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों में भाग लिया। श्री सैणीदान जी चारण उदयपुर से हमारे बीच में है, आपसे निवेदन है कृपया आएं और अपना कविता पाठ प्रस्तुत करें। श्री सैणीदान जी चारण। स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं जैसलमेर के सभी साहित्यकार कवि मित्रों को प्रताप जयंती की बधाई देता हूँ। मेरे मित्र मुकेश हर्ष का आग्रह था कि प्रताप जयंती पर कुछ मैं भी भेजूं। ये मुकेश ने ही जो साफा वहाँ जैसलमेर में पहनाया था वो साफा ही पहन के मैं कवि पाठ शुरू कर रहा हूँ। एक बार पुनः आप सभी मित्रों को और मुझे खुशी है कि हर महीने आप सभी मित्रों की आपस में एक गोष्ठी होती है। मैं जब जैसलमेर आया था तब मैंने निवेदन किया था सभी से कि भाई इतने कवि साहित्यकार जब आप हैं आपको महीने में एक बार मिलकर के गोष्ठी करनी चाहिए ताकि नए लोग भी उसमें जुड़ें और कुछ साहित्य की गतिविधियाँ जैसलमेर में पुनः जीवित हों। जैसलमेर में बड़े बड़े कवि साहित्यकार हुए हैं। देखिए मैं सबसे पहले चार पंक्तियाँ मेवाड़ की माटी को समर्पित करता हूँ। इतिहास गगन के पन्नों पर एक सूर्य चमकता रहता है इतिहास गगन के पन्नों पर एक सूर्य चमकता रहता है उसे आज तलक ये सारा जग
राणा प्रताप कहता है, प्रताप की जननी वीर प्रसूता, मेवाड़ धरा की माटी को, ये अडना सा ये कवि चारण अपना प्रणाम कहता है, अपना प्रणाम कहता है। अगला मुक्त, आओ मिलकर वीर प्रसूता इस माटी को नमन करे, आओ मिलकर वीर प्रसूता इस माटी को नमन करे, कट जाए भले पर झुके नहीं उस परिपाटी को नमन करे, काट काट अरि मुंडों को, काट काट अरि मुंडों को, जहाँ भर दी रक्त तड़ाई थी, समरांगण सिर मोर धरा हल्दी घाटी को नमन करे, हल्दी घाटी को नमन करे। अगला मुद्दा, बहुत अधिक जिससे हारा था उस थोड़े को नमन करे, बहुत अधिक जिससे हारा था उस थोड़े को नमन करे, हकीम का सूरी और प्रताप के उस जोड़े को नमन करे, एक टांग कट गई मगर स्वामी को सुरक्षित पहुंचाया, स्वामी भक्त बेजोड़ अश्व चेतक घोड़े को नमन करे, चेतक घोड़े को नमन करे। और अगला मंत्र, इसका इतिहास अनूठा है अद्भुत इसकी परिपाटी है, इसका इतिहास अनूठा है अद्भुत इसकी परिपाटी है, कट जाए भले पर झुके नहीं इसका इतिहास अनूठा है अद्भुत इसकी परिपाटी है, कट जाए भले पर झुके नहीं बस सदा रही परिपाटी है, राणा ने महलों को छोड़ा जंगल में जिंदगी काटी है, आओ मिल कर के नमन करें रणतीर्थ ये हल्दी घाटी है, रणतीर्थ ये हल्दी घाटी है। और आखिर में दो तीन दोहे, कबीर धरा मेवाड़री कर न सके कोई होड़, वीर धरा मेवाड़री कर न सके कोई होड़, अरे भीला भाटा सू लिया तो पारा मुँह मोड़, भीला भाटा सू लिया तो पारा मुँह मोड़। और आज हम जो प्रताप जयंती मना रहे हैं, देखिए इसका श्रेय किसको जाता है, सुनिएगा एक दुआ और, कि पन्ना गर सहती नहीं, पन्ना गर सहती नहीं निज सुत को संताप, देश कथा सुन लाओ तो महाराणा प्रताप, देश कथा सुन लाओ तो महाराणा प्रताप। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद और बधाई कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर महीने गोष्ठी हो रही है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि मैं आपने मेरी छोटी सी राय मानी और आज एक बहुत अच्छा माहौल जैसलमेर में कविता का खड़ा हो गया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद। श्रेणी दान चार, अपनी आज़ादी को हम हर गिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बस इसी प्रकार के शब्दों से मिली जुली एक सुंदर कविता हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सणिदान जी चारण ने हमारे सामने रखी। इतिहास गगन के पन्नों पर एक सूर्य चमकता रहता है, वे स्वयं एक सूर्य से कम नहीं है, आपकी रोशनी में हम सदा नहाते रहें। आप अपने दीर्घायु जीवन के लिए, आपके लिए हम बहुत ईश्वर से कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आपकी अध्यक्ष पद को आपने जो सुशोभित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल का, श्री संजय जी हर्ष का, जिन्होंने इस कवि गोष्ठी को परवान चढ़ाया और आपके और प्रत्येक व्यक्ति के
मोबाइल तक पहुंचाया। श्री संजय जी, हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।